वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, छोटू को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्यारी बोल जी। वो एक मिनट जो ब्लॉग स्टार्ट हो गया है गाइज, आज है मंडे और अभी हमारा नाश्ता हो रहा है दोपहर के 1:30 बजे और भेड़मी पूड़ी आलू, साथ में मग भर के चाय और फिर उसके बाद मैं लगूंगी मजदूरी करने अंदर कमरे में, बेड फोल्ड करके बेड की सारी सफाई। तो चलिए पहले करते हैं नाश्ता। ये देखिए बड़े टाइम बाद भेड़मी पूड़ी गाइज, ये देखिए तुम कचौड़ी लाए हो अपने लिए, अच्छा मैं तो कचौड़ी खाती नहीं ना, ये नाश्ता और ये अपना प्रोटीन डाइट अंडे जैसी शक्ल वाला। नाश्ता पानी हमारा हो गया और अब मैं अपनी ड्यूटी पे लग रही हूँ, क्योंकि मुझे अब बिल्कुल भी कोई डे वेस्ट नहीं करना। फिर बाद में क्या होता है, त्योहारों के टाइम पे दिवाली बांटने भी जाना पड़ता है, दिवाली देने भी लोग आते हैं घर पे, और उस टाइम आप सारा दिन खिलारा मचा के रखो तो बड़ा गंदा लगता है। त्यौहार पे कोई घर आ जाए और हम ऐसे अनटाइडी बन के घूम रहे हो ना, आई डोंट लाइक दैट। तो इसलिए मैंने ना इस बार बहुत टाइम से सफाइयाँ शुरू कर दी, कल आपको दिखाई दिया। अभी तक साड़ियाँ नहीं ढूंढी हैं, वो मैं अभी ये रूम बेड करने के बाद साड़ियों में लगूंगी, और कपड़े नहीं निकाल रही सर्दी के, सिर्फ बेड फोल्ड करके बेड के नीचे से सफाई करनी है, क्योंकि आई थिंक ब्रूनो के बाल बहुत सारे निकलने वाले हैं और बेड के पीछे बहुत गंदा है, बालों का गुच्छा, किताबें, कभी पेन पेंसिल, पता नहीं पीछे कैसे आ गई, आई डोंट नो। तो चलिए अभी लगते हैं। देखिए पूरा बेड ऐसे खुला हुआ है ना, मैं इसे अभी फोल्ड करती हूँ और दिखाती हूँ कि इसके बाद इसमें से क्या निकलेगा। ऐसे देखिए मैंने बेड फोल्ड किया ना, तो बेड के नीचे से सबसे हैरानी की बात ये देखो, मतलब मिट्टी और ब्रूनो के बाल तो निकले ही निकले हैं, ब्रूनो पीछे अंदर नहीं आना। और ये देखो सबसे पहला काम, ब्रूनो जो प्लेटें हमारी इधर से उधर लुढ़काता रहता है ना, एक प्लेट निकली है मेरी यहाँ से, और ये बाल आप देख रहे हैं, मुझे पता था अंदर नहीं आ रहा इसके बाल। अरे पिलो हटा दे, यहाँ बैठ जाएगा, हाँ जमीन पे नहीं बैठना, इधर आ तो इसको लग रहा है कि पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ। इधर आ जा गद्दे पे, यहाँ आ जा गद्दे पे, हाँ बस सेट, यहीं बैठ जा, यहीं बैठ जा, बैठ जा, गुड बॉय मेरा बेटा, गुड बॉय। मिट्टी में नहीं आना, मिट्टी हो जाएगी फिर मैं नाई नहीं करा दूंगी। तो अब ये सारी सफाई करती हूँ और एक बेड आपको बेड के पीछे भी दिखाती हूँ, ये देखो डंबल रॉड, पता नहीं मुझे तो कोई दिख नहीं रहा ऐसे अभी, वेट, ओए होए होए होए, हाँ यार यहाँ पे डंबल की रॉड्स वगैरह पड़ी हुई हैं, बाल ही बाल हैं सारे, ये भी साफ करते हैं अभी। ये सारे बालों का गुच्छा इकट्ठा होकर यहाँ पे आ गया, तो अभी पूरा साफ कर दिया, बस एक बार पोछा लगा दो। अरे महाराज जी देखो हमारे इंस्पेक्शन करने के लिए कि मम्मी ढंग से सफाई कर रही है कि नहीं, यहाँ बैठ गया, हाँ तेरा ही गंद सारा उड़ निकाल रही हूँ, देख ले जरा बालों का गुच्छा। देखिए जो यहाँ का पूरा गद्दा बिछा हुआ था वो हटा दिया, और मेरे हस्बैंड ने गद्दा यहाँ बिछा दिया, क्योंकि मैं इधर ही सो, यार के गंदे पैर दिख रहे हैं जी, अरे तेरे पैर गंदे हो गए, देख सफाइयाँ करा के। अभी एक्चुअली मेरे साथ लगा हुआ था ना बेड के इस खाने में, भाई पैर धो के बैठ जाओ ऊपर। अच्छा तो ये गद्दा हमने, मैं मारूंगी तो मुझे चिढ़ावा मत, पैर रगड़ रहा है उस पर गंदे। तो अभी यहाँ पर गद्दा बिछ गया, मैं यहाँ सोऊंगी ना रात को तो मेरी बैक पेन ठीक हो जाएगी। चुप रह, मैंने तेरी टांग खींच लेनी है। तो ये दो एक गद्दे के ऊपर उधर गद्दा कर दिया, यहाँ पर ये वाला गद्दा बिछा दिया, आई क्यू प्रेशर वाला है, बस अब दोनों पे चादरें बिछा देती हूँ मैं। और ये पूरा साफ हो गया, और कमरा साफ होते ही ब्रूनो आगे घुस गया सोने, उसको ज़मीन ठंडी लग रही है। गाइस फाइनली मैंने अभी बेड खोला, तो ये देखिए बेड में से मेरा एक और सूट मैं आपको दिखाऊं, पार्टी वेयर, ये देखिए ले लेके रख लो, ये देखो आप देख रहे हैं, देखो ओए तू सूंघ ले कपड़ों पे, सूंघ चल चल कपड़े सूंघ ले तू पागल। ये देखिए पूरा इतना लंबा सूट है ये फ्लेयर वाला, ब्लू एंड येलो का कॉम्बिनेशन, ये देखिए आप इसका नीचे का वर्क देख रहे हैं आप, तो बस ये पड़े रह जाते हैं बेचारे 3,000-3,000 के सूट। और मेरी साड़ियाँ सारी मिल गई ब्रूनो, मैं देखो सूट में ढक दूंगी, ये पड़ी वो बेड के अंदर, मैं कल घबरा गई, मैंने कहा अरे एक ही तो दीवान है बाहर आ रहा, ये रहा साड़ी का हिस्सा, एक ये रही, एक अलमारी में निकल आई कल, तो ये मेरी 3-4 साड़ियाँ ना, मेरी ये बड़ी फेवरेट है, ये तो मैं किसी भी दिन पहन लूँगी दिवाली के आसपास। तो चलो अभी इसको रख दें, ये देखो पागल हो गया, ये सूट के साथ खेलने लग गया, ओए अंदर घुस जा सूट के अंदर, अरे तेरे को क्या हो गया सूट में से, देखो देखो, हाँ बूबी छोड़ छोड़ छोड़। फाइनली आज का दिन भी यूटिलाइज कर लिया, वेस्ट बिल्कुल नहीं किया, पूरा बेड हिला कर, मतलब ये बेड आप देख रहे हैं ना पूरा खुल गया, वापस से चादर वादर बिछा दी, और एक गद्दा भी मेरे हस्बैंड ने यहाँ सेट कर दिया ऊपर, क्योंकि मुझे बैक पेन की प्रॉब्लम रहती है। देखिए मैंने अभी भी बेल्ट लगा रखी है, तो बैक पेन की प्रॉब्लम बहुत होती है, तो अब मुझे सोने में दिक्कत नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात है रूम बड़ा खुला और स्पेशियस हो गया है, ब्रूनो के भागने दौड़ने के लिए और जगह बन गई। तो आज का दिन भी हो गया हमारा बहुत अच्छे से यूटिलाइज, खाना बना लिया है, चिकन बनाया ऑब्वियसली, और रोटियां बाहर से मंगवा ली, मैंने कहा यार रोटियां ले आओ बाहर से, जल्दी काम निपट जाएगा, तो अब खाना खाने लगे हैं। और ये देखिए आप
तो गद्दा बहुत बैलेंस हो गया यहाँ पे आके और ये जगह पूरी खाली मिल गई। मैंने आरव की यूनिफॉर्म निकाल के रखी है कि मैं आयरन कर दूँ और पिलो कवर्स भी सारे धोने में डाल दिए, मतलब धो दिए हैं, तो आज काफ़ी काम निपटा लिए। तो रूम बहुत साफ सुथरा लग रहा है गद्दा हटने की वजह से। नॉनवेज खाना हो ना तो उसके साथ तंदूर की रोटियाँ, जो डब्बे वाली रोटियाँ होती है ना तंदूर की, वो मुझे बड़ी पसंद है, तो इसलिए मैंने मंगवा ली। थोड़ा अपना फ़ायदा भी होता है कि गैस के आगे नहीं लगना पड़ेगा। और आज पूरा दिन मेकअप किया ही नहीं, फाउंडेशन वगैरह कुछ नहीं लगाया, बस लिपस्टिक और काजल से पूरा ब्लॉग खत्म कर दिया। तो मैं अब आपसे सुबह मिलूंगी क्योंकि सुबह आरव को स्कूल भेजना है और सुबह बनाने मेरे हस्बैंड के लंच के लिए 3 डे, तो वो सुबह ही बनाऊंगी। बस अब थक गए बहुत ज़्यादा, तो खाना खाते हैं, खाना खा के फिर फ़ोन आरव को देते हैं। और मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है पहले से, तो अंधेरा भी शाम को 6:30 बजे तक हो जाता है। चलिए अभी मैं रोटियाँ डाल के देती हूँ सबको प्लेट में और फिर खाना खाते हैं। मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक। अभी टाइम हो रहा है 10:15। आरव को सुबह छोड़ के मेरे हस्बैंड आए थे, मेरी तबीयत थोड़ी ढीली थी तो इसलिए मैं गई नहीं। और अभी सुबह बनाए हैं 3 डे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सुबह लंच के लिए 3 डे बनेंगे। थोड़े से मैंने भी अपने निकाल लिए बिना मसाले वाले, और साथ में बनाए हैं न्यूट्रिस पुलाव, क्योंकि अभी इनके लंच का बन जाएगा तो दोपहर को आरव भी वही खा लेगा, तो उसका कोई अलग से बनाने का मुझे नीड नहीं होगा। और अभी मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया ताकि मैं एंड कर सकूँ, और बिना मुंह धोए गुड मॉर्निंग हो रही है, बिना मुंह धोए आपसे मैं मिल रही हूँ। तो अभी बस काम शुरू हो चुका है, तो अभी मैं ब्लॉग को एंड करूँगी और मैं आपको दिखाती हूँ जो टींडे बनाए हैं मसालेदार। गाइस ये देखिए, कहने को टींडे शींडे लोग पसंद नहीं करते ज़्यादा, लेकिन हमारे घर में जब बनते हैं ना तो सब बहुत खुश होकर खाते हैं, इवन आरव भी खा लेता है खुश होकर, बट वो प्रोटीन की वजह से उसको साथ में कुछ ना कुछ चाहिए होता है। और ये मैंने थोड़े से अपने लिए निकाल लिए क्योंकि एक ही परौंठी खानी है तो मेरे लिए बहुत है। और ये हो गए मसालेदार, प्लस मैंने सुबह सुबह ही बना दिए यहाँ पे न्यूट्रिस पुलाव। तो ये देखिए ये बन गए न्यूट्रिस पुलाव। आप कहेंगे न्यूट्रिस खाएँ, न्यूट्रिस सारे एक जगह इकट्ठे हो गए हैं ना, अभी मैंने फ्रोला नहीं है चावलों को। तो बस ये है मेरे हस्बैंड के लिए आज का लंच। आज का एक दिन मैं कुछ नहीं करने वाली, मतलब कोई खिलारा नहीं बिखेरने वाली। पहले मैंने सोचा था कि रसोई पकड़ लूँगी, बट आज ट्यूशन भी है, आरव का स्कूल भी है, वो गया हुआ है लकीली, तो खुद की हेल्थ भी अभी साथ नहीं देती है, तो फिर ज़्यादा बर्डन लेकर काम नहीं करना। तो आज कुछ नहीं करूँगी, मतलब जो घर का एज यूजुअल रूटीन है वही चलेगा, कुछ भी कोना पकड़ के मैं नहीं लगने वाली, तो आज मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी बिल्कुल भी। और एंड मिलती हूँ आपसे आज ही के दिन थोड़ी देर बाद, तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन पर सेट कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।